सत श्रीकाल सारिआं नूं। मैं कमल कुमार जसल, टैलेंट पंजाब की टीम अज कंगड़ियां पहुंची है, जिथे कि आपां तुहानूं एक खाड़ा दिखाने हैं कि बहुत ही टैलेंट बच्चे इत्थे खाड़े दे विच। कम से कम ये खाड़े नूं 5 या 6 साल हो गए आ, और इत्थे बच्चे स्टेट नैशनल लेवल दे बच्चे इत्थे बहुत ही अच्छे गोल्ड मैडलिस्ट बच्चे है। तो तुहानूं उन्हां नाल मिलाना भी है, मुलाकात भी कराना, तो उन्हां दी मेहनत भी दिखाना, उन्हां दे कोच साहब नूं भी मिलाऊंगा तुहानूं कि किदां दे बच्चे तैयार कर रहे हैं और देखो किदां दा टैलेंट बच्चों के आ जाओ सर, अगे आओ। और तुसीं देख सकते हैं कि सामने बकायदा मेहनत हो रही है और बच्चे लगे हैं मेहनत कर। बेटा की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम बलराज सिंह जी। बलराज सिंह जी, आपको किहड़े स्कूल च पढ़ते हैं? जलंधर, ठीक है। तो किन्ने साल हो गए तुहानूं भलवानी करदे नूं? या इस एक साल हो गया। तुहानूं शौक किदां पैदा होया इहदा? जलंधर दा, पंजाब दा, इंडिया दा नाम रोशन करना चाहुंदे आ, ते फैमिली दा भी नाम रोशन करना चाहुंदे आ। ते बहुत खुशी दी गल हैगी कि इन्नी मेहनत करदे बच्चे, देखो। ते अगे तुहानूं मिलाने आ जी, की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम फल सिंह। ते की करदे तुसीं? वेरी गुड। तो किन्ने साल हो गए तुहानूं मेहनत करदे नूं? डेढ़ साल हो गए मेहनत करदे नूं। तो किहड़ा किहड़ा तुसीं कंपीटीशन जीते हैं या खेडे हैं? छिंजा ही लड़दे हैं। छिंजा दे विच वी की तुहाडी पोजीशन आउंदी है? बराबर भी हो जाती है। किदां मेहनत करदे जरा मेहनत करके दिखाओ मैनूं, जरा दिखाओ यार मेहनत करके किदां करदे मैं। और लगा के पुशअप लगा के दसो सानूं, पुशअप पुशअप किदां लाई दे, डिप्स किदां लाई दे, चलो दसो किदां। हाँ चलो कोई गल नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी गल हैगी है। और मैं तुहानूं अंदर खाड़ा भी दिखाना है जी। खाड़ा देखो कि ये जिहड़ा खाड़ा, ये बजुर्गों के टाइम का खाड़ा, मिट्टी के जिहड़ी भलवानी करनी है, बजुर्गों के टाइम की ये गेम हैगी है, सदियों तो चलती आ रही है। हुण भलवानी नूं आपां नां देता रैसलिंग, और रैसलिंग इंटरनेशनल गेम हैगी है। जिदा रैसलिंग नूं आपां भलवानी नाल जिहड़े खाड़े जो बच्चे जाते हैं वह मैट से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिहड़े बच्चे मैट से ट्रेनिंग करते हैं वह खाड़े कुछ नहीं कर सकते। इस करके जिहड़ा बच्चा खाड़े करने का काम, वह तुसीं मैट से भी अपनी मेहनत कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। इत्थे दूरों दूरों के बच्चे आते हैं इस खाड़े विच, कम से कम हरेक पिंडां दे लोग या शहरों के लोग भी इत्थे खाड़ा खाड़े विच पहुँचते मेहनत कर आते हैं। देखो कितना भलवानी करते हैं, वह दा पेज कर रहे, पार पा रहे हैं। तुसीं आओ सर, इधर लागे आओ, जरा आप आइए उन्होंने दोनों आ जाओ। और मैं तुहानूं बुलाउणा आया कि बहुत ही एक अच्छा शख्स, बहुत वधिया, अगे आ जाओ। देखो कितना शरीर वधिया बनाया मेहनत दे नाल, मेहनत करनी चाहिए आ, नशियां तों दूर, नशियां तों दूर हो के अपने शरीर नूं फिट हो करके, और असीं अपने जलंधर दा, पंजाब दा, इंडिया दा नाम रोशन करिए, घर दा नाम रोशन करिए, मेहनत करके अच्छा मैडल लईए, वर्ल्ड दे विच भी अपना नाम कमाइए, और शरीर देख के भी उदा ही लगता कि वाह जी वाह क्या बात है। और किन्ने की खेडिया भाई तुसीं? थोड़ा उच्ची बोलो। दंगल लड़दा कदे? ठीक है, हाँ जी। खुशहाल बच्चे आ जिन्होंने इन्नी मेहनत की, और नैशनल भी खेडी आ, छिंजा भी जितते है, और इदा के बच्चे हरेक पिंड निकले, हेर शहर निकले, तो इंडिया कितने ना कितने पहुँच सकता है। तुम दसो जी, तुम कहना की ना जी? पूरी मेहनत करा, और कोच साहब का बड़ा नाम हैगा इन्हों का शहर के, पंजाब के, इंडिया के बड़ा नाम है, खुद एडे तकड़े रैसलर रहे हैं। हुण बिना सर्विस बिना पैसे तो ये मेहनत कराते हैं, कोई पैसा नहीं चल लेंगे है,
कि लोगों ने एक जागृत करते हैं कि तुम आओ अपनी तंदुरुस्ती करो और खड़े जाओ मेहनत करो और अच्छा नाम कमाओ और इन्हों के कोर्सों में भी आप मिलते हैं आ जाओ जी। और नेकी सर जो है भलवान जी है बहुत ही अच्छे कोच है आओ जी अगे आ जाओ अगे आ जाओ। हाँ जी कोच सर सत श्रीकाल जी। बड़ी खुशी होगी तुम नेकी साहब जी तुम मिलते हैं टाइम कड़ के खड़े बच्चों और मैं बहुत अच्छा लगा जो मैं अंदर बढ़िया अंदर आके ही मैं धन धन हो गया कि इन्ने वधिया बच्चे इन्ने वधिया शरीर बनाया बच्चों ने और इन्नी तुसी मेहनत करा रहे हैं तो मैं कहना इदा के कोच बड़ी किस्मत मिलते हैं बच्चों जेड़े अपना टाइम कढ़ के इन्नी इन्नी मेहनत कराते हैं बच्चों और तुसी देखा ही है कि इन्हों का रिजल्ट बच्चों का एक कोर्स की मेहनत करके ही तो रिजल्ट मिल रहा तो मैं तो बड़ा धन्यवाद करता और तुम दसो और तुम दसो तुम किस लेवल तक खेले हैं या कितने तक अपना ये किया। सर मैं अपना नैशनल भी खेले हैं स्कूल नैशनल इंटरवर्सिटी भी खेले हैं तो मिट्टी का भी मैं एक नंबर से कुश्ती लड़ रहा हूँ। और सरकार तुम्हें कोई हेल्प की सपोर्ट करती है? हाँ जी सर सरकार ने सू सपोर्ट की जो अपना मैट मिले शैड के जिम के सपोर्ट उन्होंने मिली है और साढ़े जे भगवंत मान जी है इस स्पोर्ट्स में बड़ा मतलब नाम देंगे बड़ा इज्जत करते हैं और बड़ा माण देंगे प्लेयर की बड़ी हेल्प करते हैं और असी कहने कि भगवंत मान जे है सर ठीक है हरेक की हेल्प करते हैं जरूरी कि स्पोर्ट्स ही करते हैं हरेक तबियत करते हैं और मैं चाहना है कि बच्चों के पिंड जिम खोल दिते हैं हरेक पिंड जिम खोलिया कि हेल्थ में सैट करो नशे का दूर हो तो असं तुम्हें बहुत ही थैंक्स करते हैं कि तुम इन्ने बच्चे मेहनत कराने अगर जिम भी दिखाओ जी अपना जिम आ जाओ जी। ये है जी जिम रैसिंग के अपन टेक्नीक के नाल थोड़ा बहुत जिम भी जरूरी हैगा कसरत के नाल जिदा थाइस की एक्सरसाइज करनी है आर्म की एक्सरसाइज करनी है तो ये जिम की बहुत लोड़ हैगी है। जिम भी देखो सरकार ने दिता है कि बकायदा जिम दिता है अंदर बच्चे मेहनत करते हैं मेहनत करने के बाद अगर खड़ के अगर कुश्ती करते है तो मैं बहुत ही वधिया लगा मैंने इतने आन के पिंड साढ़े कोच साहब के तो मैं थैंक्स करता बहुत बहुत कि तुम सू इ बच्चे मिलाए हैं तो इन्नी अच्छी ट्रेनिंग हैगी आप इन्ने अच्छे प्लेयर तगड़े रहे हैं तो तुम अगे बच्चों भी इन्ने तगड़े प्लेयर बना के बनाने हैं तो धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी धन्यवाद सर।